बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। 29 सीटें संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषित है और यहां पर भी तमाम वो सुविधाएं की गई है, तमाम तैयारियां भी यहां पर की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के लेकर आज वोटिंग जारी है और पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और बता दें आपको 683 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। अरसे के साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और इस दौरान मतदान को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। बता दें आपको झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज का आज वोटिंग है और इसी के साथ 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है जो शाम 4 बजे तक चलेगी। और साथ ही आपको बता दें इसमें 1,37,00,000 वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। और तमाम तैयारियों को भी लेकर वहां पर प्रशासन मुस्तैदी से वहां पर डटे हुए हैं। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक बता दें आपको पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में है जिनमें से 43 महिला उम्मीदवार है। और सबसे खास बात यह है कि राज्य की 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर इसी चरण में चुनाव हो रहा है और ऐसे में जो यह क्षेत्र है इस पर भी काफी तैयारियां की गई है और ऐसे में मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गया है लाइव। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सुबह से ही सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है और ऐसे में जो मतदाता है पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है सूरज? हैंड कर लेना है ना, जब उधर बढ़ेंगे ना। देखिए बिल्कुल, सुबह 7 बजे से खासकर झारखंड के 81 में से 43 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। ये मतदान सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक होंगे। जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है वह शाम 4 बजे तक होंगे। चुनाव को लेकर साफ सुथरी सरकार चुनने को लेकर तमाम जो चीजें हैं वो चुनाव आयोग के तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हो गई है। मैं आपको पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राजधानी रांची की हटिया विधानसभा सीट की ये क्षेत्र है और झारखंड की अगर हम बात करें तो 43 में से रांची के कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़, इन 5 सीटों पर सुबह से मतदान शुरू है। हालांकि 43 सीटों पर यह मतदान हो रहे हैं, सुबह से ही मतदाता वोटिंग सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तमाम जो चीजें हैं बारीकी से यहां पर ध्यान रखे जा रहे हैं, चाहे वो कैमरे की बात कर ले, ड्रोन कैमरे की बात कर ले या फिर अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस की बात कर ले, किस तरह से साफ सुथरी चुनाव हो उसे लेकर प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। पहला रिएक्शन हम लोगों से लेते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट और क्या कुछ खास रहेगा इस बार? वही डेवलपमेंट ही रहेगा। क्या कहेंगे आप वोट करने के लिए आए हैं, मुद्दा क्या होंगे इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, वोट करना चाहिए इसलिए वोट कर रहे हैं। मुद्दा अलग होगा कुछ झारखंड में क्या